माय न्यू व्लॉग। गाइस आप सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और आज है शिवरात्रि, तो हैप्पी शिवरात्रि। और हम जा रहे हैं अभी मंदिर, पहाड़ी वाले मंदिर। तो चलो चलो हमारे साथ। तो चलिए गाइस चलते हैं शिव मंदिर पूजा करने। ये रास्ते में हम जा रहे हैं और हमारे घर के पास ही तीन मंदिर एक साथ पड़ते हैं। ये सीधे हाथ पे हरे कृष्णा मंदिर है, इसके लेफ्ट हाथ पे ये घाटू श्याम जी का मंदिर है, उसी की लाइन लगी हुई है। और हम यहाँ पे सीधे चढ़ाई करके पहुँच जाएंगे शिव मंदिर, पहाड़ी वाला शिव मंदिर बोलते हैं उसको। और उसकी एक खासियत है शिव मंदिर की, मतलब उसमें सीमेंट वगैरह कुछ भी यूज नहीं है, तो पत्थरों से बनाया गया है इसे और बहुत सुंदर बनाया गया है। अभी तो उसमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे, तो बाहर बाहर का ही दिखाऊंगी आप सबको। ये सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और हम पहुंच गए हैं शिव मंदिर, देखिए। और ये यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, देखिए हम लाइन में लगे हुए हैं शिव मंदिर में अंदर पूजा करने के लिए जाने के लिए। और देखिए कितना सुंदर है, सिर्फ पत्थरों से बनाया गया है इसको। थोड़ा सा दिखाने की कोशिश की है मैंने, और बहुत ज़्यादा रस था, बहुत भीड़ हो रही थी। और यहाँ पे ये ढोल और ये ड्रम्स बज रहे थे, तो उसी के लिए आज के दिन भोले बाबा की और माता सीता पार्वती माँ की शादी हुई थी ना, उसी के लिए बज रहे थे ये। तो मुझे अच्छे लगे तो मैंने थोड़ी सी वीडियो इनकी भी बना ली, और आवाज़ मैंने इसलिए नहीं डाली, कॉपीराइट वगैरह लिखा आ जाता है ना, इसलिए मैंने आवाज़ नहीं डाली। और पूजा हमने कर ली शिव मंदिर में और हम वापस जा रहे हैं, अब हम वापस जा रहे हैं पूजा करके। इसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस्कॉन टेम्पल है, और अब हम घाटू श्याम जी के मंदिर में भी जाके पूजा करेंगे। आप घाटू श्याम जी के मंदिर वाली लगे हुए हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। ये अंदर आ गए हम, देखिए ये शनि मंदिर है इस मंदिर के अंदर ही। और अब यहाँ पे हम शिवलिंग पे जल अर्पित करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। देखिए कर रहे हैं पूजा, ये फूल माला चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, धतूरा वगैरह जो भी रहता है ये सारा चढ़ाएंगे। देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। ये देखिए यहाँ पे पूरा आमने सामने ये दोनों मंदिर, घाटू श्याम मंदिर और हरे कृष्णा मंदिर। तो मंदिर में हमने पूजा करने के बाद पूरे जा सारी तस्वीर होती है ना मंदिर में, सारी मूर्तियाँ होती है भगवान जी की, अलग अलग छोटे छोटे बने हुए थे, तो सारे में पूरे मंदिर में घूमे थे हमने, हम सारे में हाथ जोड़े थे, मत्था टेका था, देखिए। और अब लास्ट में हम घाटू श्याम जी के यहाँ मत्था टेकेंगे। ये घाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है, यहाँ पर मत्था टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और यहाँ पे ऐसे मतलब आशीर्वाद दे रहे थे झाड़ा लगा के मोर की पैच से। ये देखिए बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था हमने, हमने भी और बच्चों ने भी। अभी देख आपको आगे हमने कीकली करी थी यहाँ पे मंदिर में, वो भी दिखाएंगी, दिखाऊंगी आप सबको। बहुत अच्छा लगा था उस दिन हमें, बहुत ज़्यादा इन्जॉय भी किया था, बहुत मन लग रहा था मंदिर में, एकदम शांति, बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मन बहुत खुश था उस दिन। और अब यहाँ पे हमने कीकली की थी क्या बच्चों ने, मैंने भी की थी, बच्चों ने भी की थी। ये प्रीति और यशिका है, ये काकुल और सोनी है, देखिए। और इनके बाद फिर मैंने भी कीकली की थी, मैंने और काकुल ने, ये देखिए ये मैं और काकुल कीकली कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, बहुत खुश थे हम सब। थे
और अब हम अपने घर के लिए वापस चल दिए हैं और हम आए दूसरे रास्ते से थे और जाएंगे दूसरे रास्ते से। हम अपने जो हमारा पार्क पड़ता है, ये हमारा पार्क है, इस वाले रास्ते से हम जा रहे हैं पार्क वाले रास्ते से। तो ये देखिए, ये हमारा एक सुंदर सा बहुत बड़ा पार्क है, छोटा नहीं है। और अब हम घर आ गए हैं। चाय, अब चाय पियेंगे, मंदिर से होके आए हैं। तबीयत खराब है ना ईशान, इसे वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है इसको। गाइज, ये छोटा सा आज का व्लॉग था। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।